ओके छात्रों मित्रों विद्यार्थियों, आज हम आपको पॉरीफेरा फाइलम के बाद निडेरिया फाइलम के बारे में बताने जा रहे हैं। पॉरीफेरा में आपने देखा था कि सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं और स्पंजोसील उसमें कैविटी होती है, और उससे एडवांस आपका अगला फाइलम जो अब आ रहा है वो है आपके नीट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइलम है, वो है आपका निडेरिया जिसे हम सीलेंटेटा भी कहते हैं। आप एक एक पॉइंट को देखिए, एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ज़रा देखिए सीलेंटेटा कहिए या निडेरिया कहिए, एक्वेटिक एनिमल होते हैं, मोस्टली मेराइन होते हैं और सेसाइल होते हैं या फ्री लिविंग होते हैं, ठीक है, और रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं। ये आप याद रखिएगा, दे कैन बी डिवाइडेड इक्वल हाफ इंटू टू आइडेंटिकल बाय एनी वर्टिकल डिविजन, किसी भी एक लंबवत रेखा के द्वारा पूरे एनिमल को कई दो भागों में बांट सकते हैं, इसे हम रेडियल सिमेट्री कहते हैं। पहली बार आपका रेडियल सिमेट्री यहाँ पर आ रहा है, और इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो डिस्टिंक्टिव फीचर है वो है आपका प्रेजेंस ऑफ नीडोब्लास्ट, जिसको हिंदी में दंश कोशिकाएं कहते हैं। किसी भी शिकार को जो है ये डंक मारते हैं और वो बेहोश हो जाता है, फिर उसको अपना एनगल्फ कर लेते हैं। इसलिए जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर जो है इसका डिस्टिंक्टिव फीचर जो है वो है प्रेजेंस ऑफ नीडोब्लास्ट यानी नीडोसाइट। याद रखिएगा ये भी विशेष प्रकार का ऑर्गन है जो पहली बार एंड द मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनली इन द एनिमल किंगडम दैट इज योर नीडोब्लास्ट या दंश कोशिका कहते हैं। ओके इस दंश कोशिका के अंदर जो है एक अलग से स्पेशल टाइप का जो है स्टिंगिंग कैप्सूल पाया जाता है जिसके द्वारा वो डंक मारता है, जिसे हम कहते हैं निमेटोसिस्ट। याद रखिए नीडोब्लास्ट जो है ऑर्गेनली है और उसके अंदर जो ऑर्गेनली के अंदर जो है निमेटोसिस्ट है, ठीक है, जो कि टेंटाकल्स के ऊपर लगा होता है। टेंटाकल जो होते हैं वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि बाहर की ओर निकले होते हैं, उसी को लिपट करके वो दंश कोशिका वो चलाता है, ठीक है। नीडोब्लास्ट का जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये किस लिए होता है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस, क्या इसकी आवश्यकता क्या है, वो आपके सामने है। अपने को किसी भी स्थान के साथ जोड़ने के लिए, एंकरेज स्थानबद्ध करने के लिए और डिफेंस के लिए, अपनी रक्षा करने के लिए भी है और उसके साथ साथ शिकार को पकड़ने के लिए भी है। आपका सवाल नीट का जा रहा है कि नीडोब्लास्ट के तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है, एंकरेज, डिफेंस और कैप्चर फ्रेम। ओके अब हम आपको लेकर चलते हैं इसका टिश्यू लेवल, सेलुलर लेवल के बाद सबसे पहली बार टिश्यू अगर बने हैं तो वो आपके निडेरिया में बने हैं, इसीलिए इसको हम कहते हैं टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन। ओके और डिप्लोब्लास्टिक, इसका जो भ्रूण है वो दो जर्म लेयर से बनता है, एक होती है एक्टोडर्म और दूसरी होती है एंडोडर्म। ओके तीसरी लेयर इसमें जर्म लेयर नहीं है, ये याद रखिएगा। पहला एग्जांपल आपका पॉरीफेरा वो भी आपका डिप्लोब्लास्टिक है और ये भी डिप्लोब्लास्टिक है। अब आप देखिए मीसोग्लिया, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला सवाल ये है कि मीसोग्लिया जो है एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में नॉन सेलुलर लेयर पाई जाती है, इसमें कोई अपना सेल का संगठन नहीं होता है, ठीक है, इसलिए इसको नॉन सेलुलर जिलेटिनस लेयर को जो है मीसोग्लिया कहते हैं। पॉरीफेरा में मीसेनकाइम था और निडेरिया में जो है मीसोग्लिया है। ओके और पॉरीफेरा में सेंट्रल कैविटी जो थी वो स्पंजोसील थी और इसमें आपका जो है सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है, यानी लोकोमोशन के साथ साथ और डाइजेशन का भी काम करती है, इसलिए इसको कहते हैं गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी कहते हैं, और इसका एक ही ओपनिंग है। पॉरीफेरा में ढेर सारी ओपनिंग थी इसलिए उसको पॉरीफेरा ही ऑस्टिया कहा था। इसमें क्या है, सिंगल ओपनिंग है, हाइपोस्टोम, ठीक, मुखाकृति, ठीक। डाइजेशन इसका जो है बहुत ही याद रखिए एक्स्ट्रा सेलुलर भी है और इंट्रा सेलुलर भी। क्वेश्चन आपका नीट का है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से किस में जो है एक्स्ट्रा सेलुलर इंट्रा सेलुलर दोनों तरह का पाचन पाया जाता है, आपको टिक करना है किस पे, आपके निडेरिया में डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर इंट्रा सेलुलर। उसके बाद आता है एंडोस्केलेटन, पॉरीफेरा में स्पिटूल का बना हुआ एंडोस्केलेटन था, यहाँ पर एंडोस्केलेटन जो है आपका जो है कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है, जिससे कारण जो है बहुत सारी मात्रा में एनिमल जो है एक कोरल रीफ बनाते हैं, बिल्कुल एकदम हार्ड पत्थरों की तरह से उसको बनते हैं कोरल, जो कि एंडोस्केलेटन कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है। दो तरह का इसमें मोड इंपॉर्टेंट जो है उसका जो ऑर्गेनिक एनिमल की बॉडी जो होती है वो बेसिक फॉर्म होती है। याद रखिए एक पॉलिप जो कि सिलेंड्रिकल होता है, ठीक, बेलनाकार, उसको कहते हैं पॉलिप कहते हैं, और अगर तश्री के आकार का अम्ब्रेला शेप है तो उसको हम मेड्यूसा कहते हैं। याद रखिए दो तरह के एनिमल के रूप होते हैं जिसको हम डाइमॉर्फिक कहते हैं, लेकिन दो से ज़्यादा भी आपके फॉर्म हो सकते हैं, इसलिए पहली बार
निडेरिया में पॉलीमॉर्फिज आती है, यानी कोई भी एनिमल अपना दो से ज़्यादा रूप में पाया जा सकता है। इस प्रकार के फिनोना को हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। और मेटाजेनेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है आपका निडेरिया के लिए, जिसमें जो है अल्टरेशन होती है एसेक्सुअल से सेक्सुअल और सेक्सुअल से सेक्सुअल, तो इस तरह का जो अल्टरनेटिव होता है बॉडी का एनिमल का, उसे हम मेटाजेनेसिस कहते हैं। पिन पॉइंट करने के लिए आपको याद रखिए, सबसे पहली बार निडेरिया में टिश्यू आ रहे हैं और बिगनिंग ऑफ नर्व सेल होती है, पूरी बॉडी में नर्व नेट पाया जाता है। डिप्लोब्लास्टिक है, रेडियल सिमेट्री याद रखिएगा, और गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी याद रखिएगा, और डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलर इंट्रा सेलर दोनों होता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल है पूरे एनिमल किंगडम का कॉम्प्लेक्स सेल, वो है आपका नीडो ब्लास्ट। ओके, इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।